आंदोल नाम का एक गांव में एक बंडी पर तड़का खागी चावल बनाकर एक व्यक्ति बेचा करता था। वो बहुत स्वादिष्ट होने के कारण रोज कई सारे लोग वहां आकर खाते थे। उनका बेटा बहुत बड़ा आलसी था, कोई काम काज नहीं करता था। नाम था मोटू। रोज बंडी के पास आकर पेट भरकर तड़का खागी चावल खाकर सिनेमा देखने के लिए पिता से पैसे लेकर सिनेमा देखकर वापस घर आकर सोता था। कभी कभार बंडी पर खाकर वहीं बेंच पर ही सो जाता था। घर पर जब भी देखो सोते रहता था। पिता जितना भी कहते वो कभी सुनता ही नहीं। एक बार वो सिनेमा जा रहा था तो रोड पर उसे रागी से बनाया हुआ थाली मिला। वो देखकर पड़ा और आश्चर्य में पड़ गया। उसमें लिखा था, आंदोल गांव में पश्चिम दिशा के पहाड़ों में एक पुराने देवी का मंदिर है, उसमें बहुत बड़ा खजाना है। वो देखकर मोटू, हाँ हाँ सच में, अगर वो मिल गया तो पूरी जिंदगी बिना कोई काम काज करके आराम से खा पी कर सो सकता हूँ। मेरे पिताजी काम कर जो कहता रहता है वो भी नहीं रहेगा, तुरंत उस खजाने को ढूंढना होगा। यूं सोचकर निकल गया। वहाँ बहुत ढूंढने पर भी उसे मंदिर नहीं मिला। शाम होते ही उसे बहुत भूख लगी। खाने के लिए कुछ नहीं था तो उसका सर चकरा रहा था। तभी उसके आगे एक आदमी आया, उससे मोटू, श्रीमान जंगल में रास्ता भटक गया हूँ, भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, कृपया करके कुछ खाना है तो दे दो। यूं कहा तो वो अपने साथ मोटू को अपने घर ले गया। वहाँ बहुत सारे पशु थे। वहाँ मोटू पेट भर कर खाना खाया। मोटू, श्रीमान मेरी भूख मिटाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा, आपका ये एहसान कैसे पूरा करूंगा पता नहीं। यूं कहा तो वो, एहसान चुकाओगे तो ठीक है, जाकर वो पूरा गौशाला को साफ करके अगर पशु को खाना दोगे तो तुम्हारा एहसान में से आधा चुक जाएगा, समझो। यूं कहा तो मोटू ठीक है कहकर बड़ी मेहनत से वो सारा काम करके बहुत थक गया। फिर घर के सामने बरांडा में अच्छे से सो गया। सुबह ही वो छड़ी से मोटू को उठाते हुए, ए उठो रे उठो, पशु को उस जंगल में घुमाकर लाओ, ऐसे क्या देख रहे हो, तुम्हारा एहसान अभी भी आधा बाकी है, भूल गए हो क्या, जाओ जाओ। यूं कहा मोटू कुछ कर नहीं सका तो पशु को जंगल में खाने और घुमाने के लिए लेकर गया। इस तरह सुबह जो खाया उसके लिए शाम तक, शाम को जो खाया उसके लिए सुबह तक काम करते जा रहा था और वहीं थोड़े दिन रुक गया। एक दिन, अब इधर रहकर कोई फायदा नहीं है, यूं सोचकर घर से मोटू भाग निकला। उसे जंगल में एक स्वामी जी का आश्रम दिखाई दिया। वो स्वामी जी से, स्वामी जी प्रणाम, यहाँ कहीं पुराना देवी का मंदिर है ना, वहाँ तक कैसे जा सकता हूँ जरा बताइए ना स्वामी जी। यूं कहा, स्वामी जी चुपचाप बैठकर देख रहे थे। स्वामी क्या करूँगा तो आप वो रास्ता बताओगे, बोलो स्वामी मैं करूँगा। यूं कहा तब स्वामी जी ने क्या करना है उसे कहा। इससे स्वामी जी का आश्रम वो साफ करने लगा, नदी में से पानी लाना, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, स्वामी जी के पैर दबाना इत्यादि करने लगा। इस तरह कुछ दिन बीतने के बाद स्वामी जी, बेटा तुम्हारा सेवा मुझे अच्छी लगी, वैसे वो मंदिर में तुम्हारा क्या काम है बेटा। यूं पूछा तो मोटू, वो स्वामी वो बड़ा रहस्य है, मैं नहीं बता सकता हूँ स्वामी। स्वामी जी, तुम तो वहाँ खजाना ढूंढने के लिए जा रहे हो ना बेटा। यूं कहा तो मोटू, स्वामी जी मुझे माफ कीजिए, ये बात मैं आपसे छुपा कर रखा हूँ। हाँ स्वामी जी मैं उस खजाने के लिए ही वहाँ जा रहा हूँ, कैसे जाना है बताइए। यूं कहा तो स्वामी जी, बेटा अब तक जो भी वहाँ गया है उन्हें खजाना नहीं मिला और वापस आ गए, अब तुम ही अपनी किस्मत आजमा लो। कहते हुए रास्ता दिखाए। इस तरह आखिरकार मोटू एक पुराने मंदिर के पास पहुंच गया। वहां देवी को नमस्कार करके उस मंदिर में ढूंढना शुरू किया। आखिरकार उसे खंभे पर कुछ अक्षर नजर आए। मोटू से पढ़ा तो, अब तुम्हें मेहनत की कीमत समझ आ गई, इससे ज्यादा कीमती कुछ है क्या बताओ,
अगर कोई हाँ भी कहे तो मानो मत। यूँ लिखा था तब मोटू को समझ आ गया। तब तक उसने क्या क्या गलती की वो सब समझ गया। उस दिन से वो आलसीपन छोड़कर अपने पिता की तड़का खड़ी चावल में मदद करके अच्छा नाम कमाया। जामनगर के गांव में एक पिज्जा शॉप रहता था। उसमें नंदन कहकर एक नौजवान काम करता था। उधर हर रोज वो पिज्जा तैयार करने का काम में व्यस्त रहता था। पिज्जा का बेस लेकर उसके ऊपर चीज और जो चाहिए वो सब्जी के टुकड़े सॉस डालकर ओवन में जलाता था। कभी कभार पिज्जा डिलीवरी करने के लिए बाइक पर जाकर उनको कस्टमर्स को देता था, लेकिन वो पिज्जा दुकान का मालिक बहुत लालची था। ढंग से वेतन भी नहीं देकर नंदन को बहुत सताता रहता था। नंदन के परिवार बहुत गरीब थे। घर में माँ पिता के साथ उसका नानी भी रहती थी। वे बूढ़ी होने से भी बहुत होशियार थी। घर में कभी भी किसी को अगर कोई समस्या आने से भी वो सलाह देती थी। नंदन के पिता को एक छोटा सा केले का बगीचा था। उसमें उगे केलों को ठेले पर लगाकर गांव में जाकर बेचता था। हाँ, केले केले, ताजे ताजे केले, आइए आइए, डजन केवल 25 रुपए में ही लीजिए, कहकर पुकारते हुए बेचता था। और ऐसे ही केले के पत्तों को होटल वालों को बेचकर भी पैसे कमाता था। एक दिन पिज्जा शॉप का मालिक और एक नौजवान को लाकर, नंदन ये मेरा भांजा प्रकाश है, काम काज छोड़कर बेकार में घूम रहा है कहकर इधर लेकर आया हूँ, इसे पिज्जा कैसे बनाते हैं सिखाओ, तुम्हें भी मदद करेगा, कहा। तब नंदन ठीक है कहकर प्रकाश को पिज्जा कैसे बनाते हैं ये सिखाने लगा। ऐसे एक महीने गुजर गया। पिज्जा दुकान का मालिक एक दिन, क्यों नंदन, मेरा भांजा पिज्जा तैयार करना पूरा तरीके से सीख लिया है ना, अब से तुमसे मुझे कोई काम नहीं है, तुम जा सकते हो, तुम्हें वेतन देना ही बेकार है, और ये प्रकाश मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही सुनता है और इधर ही पड़ा रहता है, कहा। तब नंदन, मालिक ये तो बहुत गलत है, अब के अब मुझे काम से निकाल देंगे तो कैसे होगा, कहाँ जाऊंगा, गांव में ये एक ही पिज्जा शॉप है ना, मुझे और कोई काम करना नहीं आता है जी, कहा। ये रोना, तुम मुझे जब वेतन बढ़ाओ कहकर तंग करते थे उस समय रहना चाहिए, मेरा भांजा तो कुत्ता जैसा मेरा पैरों पर गिरा रहेगा, क्यों प्रकाश ठीक है, कहा। तब प्रकाश, आप जैसे कहते हैं वैसे ही करने के लिए मैं तैयार हूँ मामा जी, कहा। तब मालिक, ऐसा है तो इस नंदन को गला पकड़कर बाहर निकाल दो, कहने से प्रकाश, जाओ रे जाओ, कहकर नंदन का गला पकड़कर बाहर निकल दिया। तब बेचारा नंदन घर जाकर जो हुआ वो सब घर वालों से बताकर बहुत दुखी हुआ। नंदन, मुझे पिज्जा बनाने के अलावा और कोई काम नहीं आता है, इस गांव में और एक पिज्जा शॉप तो नहीं है, अब मुझे क्या करना होगा, कल से कूली काम पर जाता हूँ, कहा। तब नंदन की नानी, कूली काम करने का जरूरत मेरा पोता को नहीं है, गाँव में और एक पिज्जा का दुकान नहीं है कहकर उसका घमंड है ना, और एक पिज्जा का दुकान तुम खुद क्यों नहीं लगा सकते हो, पूछी। तब उसका पिता, तुम पागल तो नहीं हो गए हो माँ, पिज्जा शॉप लगाने के लिए कितना खर्चा होता है पता है, उतना सारे पैसे हमारे पास कहाँ हैं? उसके लिए एक शॉप लेना है, उसका भाड़ा भरना है, और उसके अंदर कुर्सियाँ और टेबल्स लगाना है, किचन का सामान और बड़ा सा ओवन, अरे बाप रे कितना निवेश हमारे पास कहाँ है, कहा। तब नानी, अरे ओ बेवकूफ, तुम्हारा ठेला ही अब उसका पिज्जा शॉप बनेगा, हमारा घर में रसोई का सामान को ही पिज्जा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसको पिज्जा बनाना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए कहाँ बनाते हैं ये जरूरी नहीं है, उसका स्वाद अच्छा है कि नहीं ये जरूरी है, दाम कम करके बेचेंगे तो लोग अच्छे से आकर हमारे पिज्जा अच्छे से बिक्री होंगे, और वो पिज्जा शॉप वाला को उसका दुकान बंद करना ही चाहिए, बोली। तब नंदन, तुम जो कह रही हो वो तो सही है, लेकिन पिज्जा बनाने के लिए ओवन कहाँ से मिलेगा, उसके बिना पिज्जा नहीं बना सकते हैं, कहा। तब नानी, अरे ओ नालायक, पिज्जा को गर्म करने के लिए ओवन ही चाहिए क्या, हमारे जमाने में रोटी को तवा पर जलाते थे ना, तब ऐसा ओवन तो नहीं था, और उन पिज्जा को हमारे बगीचे में केले के पत्ते में लगाकर तवा पे जलाओ, बहुत स्वादिष्ट रहता है, मेरा यकीन करो, बोली। ऐसे अगले दिन नंदन और उसका पिता उनका ठेले पर नंदन बनाना लीफ पिज्जा कहकर एक बोर्ड लगाए, ठेले पर पकाने का सामान लगाकर गांव में आए। उस ठेले पर लगा हुआ बोर्ड को देखकर लोग दिलचस्पी से क्या है कहकर देखने के लिए आने लगे।
वे सब देखते ही नंदन बनाना लीफ में पिज्जा बेस को लगाकर ऊपर जो चाहिए वो सारे चीज डालकर उनको केले के पत्तों में बांधकर पोटली जैसा बनाकर तवा पर जलाने लगा। बाद में उसमें तेल लगाकर अच्छे से तलाने लगा। वे अच्छे से जलने के बाद उन पोटली को खोलकर गर्मा गर्म पिज्जा लोगों को दिया। उनको स्वाद करके लोग हैरान रह गए। तब एक आदमी, अरे वाह कितना स्वादिष्ट है ये पिज्जा, असल में इनका दाम कितना है, पूछा। तब नंदन, मेरी नानी जैसे कहा था वैसे ही एक पिज्जा का दाम केवल 30 रुपए ही है, ये गरीब का पिज्जा है, बोली। आपको कोई आपत्ति होना नहीं है और हमें भी कोई नुकसान नहीं होना है कहकर ये दाम मेरी नानी ने तय किया है, कहा। ऐसे कुछ ही दिनों में उनका बनाना लीफ पिज्जा बहुत मशहूर बन गया। पैसे अच्छे से मिलने लगे। उससे वो पिज्जा शॉप वाला का व्यापार नुकसान में चला गया और वो शॉप बंद करके उधर से चला गया।